हाय गाइस, आज हम लोग बात करेंगे एक्सेप्शन की और एक्सेप्शन हैंडलिंग की इन पीएचपी। सबसे पहले जानते हैं कि एक्सेप्शन होता क्या है। तो एन एक्सेप्शन इज़ अ जनरलाइजेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एरर टू इंक्लूड एनी अनएक्सपेक्टेड कंडीशन एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा एरर जो अनएक्सपेक्टेड हो आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में, कोई ऐसा एरर जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, कोई ऐसा एरर होता है तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग करते हैं इन कीवर्ड्स का यूज़ करके, ट्राई, कैच, फाइनली और थ्रू। ये जो बेसिक टर्म्स आप देख रहे हैं, इनका इस्तेमाल करके एक्सेप्शन को हैंडल किया जाता है। मतलब वो जो अनएक्सपेक्टेड एरर आता है, उस एरर को आप कैसे हैंडल करेंगे, वह इन सभी टर्म्स का यूज़ करके हैंडल किया जाता है। जो कोड आपका अनएक्सपेक्टेड एरर जनरेट कर सकता है, उसको हम लोग ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। और हर एक ट्राई के लिए, ईच ट्राई मस्ट हैव एटलीस्ट वन कॉरेस्पॉन्डिंग कैच और फाइनली ब्लॉक। और एक ट्राई मतलब हर एक ट्राई के लिए एक कैच ब्लॉक या फिर एक फाइनली ब्लॉक होना चाहिए। कोड विद इन द फाइनली ब्लॉक विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर द ट्राई एंड कैच ब्लॉक्स, रिगार्डलेस ऑफ वेदर एन एक्सेप्शन हैज़ बीन थ्रोन एंड बिफोर नॉर्मल एग्जीक्यूशन रिज्यूम्स। जो फाइनली ब्लॉक होता है, ये हर हाल में एग्जीक्यूट होता है, चाहे आपका एक्सेप्शन अकर हो या ना हो, आपका फाइनली ब्लॉक चलेगा। लेकिन कैच ब्लॉक तो सिर्फ तभी चलता है जब आपका एक्सेप्शन जनरेट होता है, अगर होता है। इफ एन एक्सेप्शन इज नॉट कॉट, अगर आप किसी कोई एक्सेप्शन आपके प्रोग्राम में होता है उसका कॉट नहीं करते हैं, तो आपको एक फेटल एरर मिलेगा। फेटल एरर विल बी इशूड विद एन अनकॉट एक्सेप्शन मैसेज। सो थ्योरी से हमें बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, कुछ कुछ बातें समझ में आई, जैसे कि ट्राई अगर आप ब्लॉक लिखेंगे तो आपको उसके लिए कैच या फिर फाइनली ब्लॉक लिखना पड़ेगा। फाइनली ब्लॉक हर हाल में एग्जीक्यूट होगा, चाहे एक्सेप्शन जनरेट हो या ना हो। अगर आप अपने प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन है जिसको आप हैंडल नहीं करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के द्वारा, यानी कि ट्राई कैच ब्लॉक के द्वारा, और वो कैच अगर अकर होता है, तो आपको एक फैटल एरर मिलेगा जो कहेगा अनकॉट एक्सेप्शन मैसेज। मतलब एन अनकॉट एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा उस एरर में, ये वाला मैसेज। सो देखते हैं कि एक्चुअल में काम कैसे करता है, बिकॉज हमारा मेन कॉन्सेप्ट वही है कि ये काम कैसे करता है वह समझना। ये तो थियोरेटिकल पार्ट्स था जो आपको एग्ज़ाम में काम आ सकता है। यहाँ मैंने एक कोड लिखा हुआ, एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, PHP ओपनिंग, देन यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया जिसका मैंने वैल्यू दिया 8। ट्राई ब्लॉक ये हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ट्राई ब्लॉक हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने लिखा हुआ है कि इफ़ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, तो एक को कर दो ए का जो भी वैल्यू है। एल्स थ्रो करना है एक एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन क्या है हमारा, एक्सेप्शन हम लोग कहेंगे इंटर वैल्यू ग्रेटर देन 10, जो कि कैच किया जाएगा यहाँ पर। देन यहाँ पर हम लोग फाइनली ब्लॉक लिखते हैं। कैच में हम लोग एक्सेप्शन और इसका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर ई ऑब्जेक्ट लिखते हैं। देन ई ऑब्जेक्ट में एक मेथड है गेट मैसेज जो आपको डिफ़ॉल्ट मैसेजेस दिखाता है इस एक्सेप्शन के बारे में। अगर इसको मैं रन करूँ अभी तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए अभी ए का जो वैल्यू है वो अगर हम लोग ग्रेटर देन 10 देते हैं या फिर ग्रेटर देन 10 देते हैं, मान लीजिए 12 दे दिया, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इफ़ कंडीशन हमारा सेटिस्फाई होगा, यानी कि 12 ग्रेटर देन इक्वल 10 हो जाएगा, तो हमें एको मिल जाएगा हमारा जो ए का वैल्यू होगा वह। तो इस केस में हमारा कोई भी एक्सेप्शन अकर नहीं हुआ, तो हमारा कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये नॉर्मल जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, उसी तरीके से नॉर्मल एग्जीक्यूट होगा और नॉर्मल ये ख़त्म हो जाएगा। फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि फाइनली हर हाल में एग्जीक्यूट होता है, चाहे आपका एक्सेप्शन थ्रो हो या ना हो, आपका कैच ब्लॉक रन करे या ना करे, फाइनली रन करेगा अगर आपने फाइनली लिखा है तो। ट्राई के लिए आप कैच लिखते हैं और फाइनली लिखते हैं। फाइनली हर हाल में एग्जीक्यूट होता है, चाहे आपका एक्सेप्शन थ्रो हो या ना हो, और कैच सिर्फ तभी रन करता है जब आपका एक्सेप्शन अकर होता है। तो हमारे इस केस में एक्सेप्शन अकर नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि 12 ग्रेटर देन इक्वल 10, तो सिंपली ये ए हमें एको होकर दिखाई देगा, लेकिन फाइनली जो है हमारा एग्जीक्यूट होगा और फाइनली ब्लॉक भी हमें प्रिंट होकर दिखाई देगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको हम लोग अगर रन करेंगे यहाँ पर, तो देखिए 12 हमें दिखाई देगा ए का वैल्यू और फाइनली ब्लॉक भी हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। मैंने सर्वर को पहले से रन कर लिया, अगर आपको याद ना हो तो मैंने सर्वर रन करके रखा हुआ। अभी हम लोग क्या करते हैं कि इसका वैल्यू हम लोग 10 से नीचे कर देते हैं,
एक तरीके से हम लोग एक एरर बना रहे हैं कि अगर 10 से कम होगा तो क्या करना है, ये एक्सेप्शन थ्रो कर देना है। सो इसको हमने सेव किया, सेव करने के बाद हम लोग इसको करेंगे रन। अभी हमारा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, इससे एको नहीं होगा बल्कि एल्स पार्ट में आएगा, एक्सेप्शन थ्रो होगा, कैच रन करेगा, देन फाइनली रन करेगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद हम लोग इसको करते हैं रन। तो देखिए आपको एक मैसेज मिल जा रहा है, इंटर वैल्यू ग्रेटर देन 10 और फाइनली ब्लॉक। तो गेट मैसेज से आपको ये वाला जो मैसेज है, ये वाला मैसेज आपको प्रिंट होकर वहाँ दिखाई दे रहा है। देन फाइनली ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा ही। तो ये एक्सेप्शन को हैंडल करने का तरीका, हमने अपने इस प्रोग्राम में एक एक्सेप्शन अकर किया कि अगर 10 से कम होगा तो एक एक्सेप्शन बने जो हमने कैच किया, और हमने उसके लिए फाइनली भी लिखा। और फाइनली अगर नहीं लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस सिचुएशन में। इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद इसको हम लोग रन करेंगे तो हमें यहाँ पर हमारा मैसेज दिखाई देगा, एरर मैसेज कि इंटर वैल्यू ग्रेटर देन 10। ओके, इसका एक प्रॉपर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, यूज़र फ्रेंडली, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ मैंने एक प्रोग्राम बनाया है डिवीज़न का प्रोग्राम, जो कि आप देख सकते हैं। मैं इसको शुरू से आपको समझाता हूँ, पहले HTML समझ लीजिए। ये बेसिक सा HTML का कोड लिखा हुआ है मैंने। मैंने एक फॉर्म बनाया जो कि पोस्ट मेथड होल्ड किए हुए है। इनपुट एक है जिसमें नेम ए लिखा हुआ है, नेम का वैल्यू ए है। देन ये हमारा टेक्स्ट टाइप का है। देन यहाँ पर बी भी है एक, ये वाला बी है, ये भी टेक्स्ट है, इसका नेम मैंने बी दिया। देन एक सबमिट बटन है जिसका नाम सबमिट रखा हुआ है। इसको अगर देन फॉर्म हमारा बंद, इसको हम लोग अगर सेव करके मैं आपको रन करके दिखाऊं यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरीके से आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। ठीक, ए ए का वैल्यू, देन आप बी का वैल्यू यहाँ लिखेंगे, देन सबमिट करेंगे। इसका PHP का कोड मैंने ऊपर में लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देखिएगा। इज़ सेट मैंने पहले चेक किया है कि सबमिट पर क्लिक हो तभी इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। सो मैंने लिखा हुआ है कि ए में क्या साइन करना है, जो कि ए फील्ड में डाला जाएगा, मतलब यहाँ जो भी आप लिखेंगे वह चला जाएगा इस ए वेरिएबल के पास। उसी तरीके से आप बी में जो भी लिखेंगे वह बी वेरिएबल के पास चला आएगा। ये बेसिक है, हम लोग जानते हैं। अभी हम लोगों ने क्या किया, ट्राई ब्लॉक बनाया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक हमारा ट्राई है। ट्राई के अंदर हमने लिखा हुआ है कि बी लेस देन इक्वल ज़ीरो अगर होता है, अगर बी का वैल्यू लेस देन इक्वल ज़ीरो होता है तो एक एक्सेप्शन थ्रो कर देना है, एल्स रिजल्ट कर देना है ए डिवाइडेड बाय बी, और जो भी रिजल्ट आएगा वो हमें स्क्रीन पर दिखाई देगा। साथ में कैच ब्लॉक लिखा हुआ है कि अगर एक्सेप्शन बनेगा तो क्या करना है, एक्सेप्शन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट गेट मैसेज को हमने कॉल कर दिया, जिससे कि हमें ये वाला मैसेज देखने को मिल जाएगा स्क्रीन पर, यानी कि वेब पेज में। इसको हमने सेव किया, इसके नीचे कोई कोड नहीं है PHP का, सेव किया हमने इसको। सेव करने के बाद इसको रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। पहले नॉर्मल डिवीज़न करते हैं। मान लीजिए 10 से हमने डिवाइड किया 2 को, तो हमें आंसर मिल जाएगा कितना, 5। लेकिन यहीं पर अगर मैं 10 को डिवाइड करता हूँ 0 से, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हमें मिल जाएगा वैल्यू ऑफ बी इज़ इनवैलिड। देखिए किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन यूज़र जो है अपना दिमाग चलाएगा और वो डिवाइड करने की कोशिश करेगा। बेहतर यह है, अगर आप देखिए, अगर आपने डिवीज़न का प्रोग्राम बनाया है और अगर यूज़र 0 से डिवाइड करने की कोशिश करता है तो वहाँ एक एक्सेप्शन बनता है और एक फैटल एरर मिल सकता है यूज़र को। तो फैटल एरर ना मिले इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि उस एक्सेप्शन को कैच कर रहे हैं, हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। हैंडल करके हम लोग प्रॉपर उसको एक मैसेज दे दे रहे हैं। फैटल एरर देने के बजाय हम लोग उसको एक मैसेज देते हैं प्रॉपर सा कि वैल्यू ऑफ बी इज़ इनवैलिड, तो उसको समझ में भी आएगा कि वह बी का वैल्यू इनवैलिड डाल रहा है, उसको वैलिड डालना पड़ेगा। साथ में आपका प्रोग्राम जो हो वो अब नॉर्मल तरीके से टर्मिनेट नहीं होगा। एग्जीक्यूशन कुछ इस तरीके से होता है, ए में जो भी लिखते हैं आप ए वेरिएबल में आता है, बी में जो भी लिखते हैं आप बी वेरिएबल में आता है, या चेक करता है कि बी का वैल्यू लेस देन इक्वल ज़ीरो है क्या। अगर जब आप ज़ीरो डालेंगे तो ये ज़ीरो, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा और ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा जो कि कैच होगा यहाँ पर, और हमें ये वाला मैसेज देखने को मिलता है। लेकिन बी का वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा डालता है, 1 या 2 या 3 या जो भी डालता है, तो ये कंडीशन फॉल्स होता है, ये थ्रो नहीं होता एक्सेप्शन बल्कि एल्स पार्ट में चला आता है, और डिवीज़न के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वह स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो एक बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम है एक्सेप्शन, जहाँ की जनरेट होता है जब आप 0 से डिवाइड करते हैं किसी भी डिजिट को, तो वहाँ एक्सेप्शन बनता है जिसको हम लोगों ने यहाँ पर हैंडल करने की कोशिश की है। इसके अलावा बहुत सारी जगह होते हैं, जैसे कि कोई फाइल आप हैंडल कर रहे हो, तो कोई ऐसा फाइल आप ओपन करने की कोशिश करें जो कि मौजूद है ही नहीं,
तो वहाँ भी एक्सेप्शन बनता है, उसको भी आप हैंडल कर सकते हैं। यूज़र को फैटल एरर मिलने के बजाय उसको पता चलेगा हैंडल करने से कि फाइल जो आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो मौजूद नहीं है, तो यूज़र को समझ में भी आता है, प्लस आपका जो प्रोग्राम है वह टर्मिनेट नहीं होता है, वो नॉर्मल तरीके से बंद होता है। अभी इसको मान लीजिए कि हम लोग हैंडल नहीं करते हैं, मैंने इसको हटा दिया, और हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि इसको हटा देंगे, ये इफ़ नहीं लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे, ये भी नहीं लगाएंगे, ये हमें कैच की भी आवश्यकता नहीं है, हमने इतना सब कुछ कर दिया। तो हमने सिर्फ क्या कि सिंपली हमारा जो लॉजिक था अपना कि हमें डिवाइड करना है, दो नंबर लेने हैं और दोनों को डिवाइड करना है, उसका रिजल्ट दिखाना। हम लोग अगर ऐसा कर दें, हम लोगों ने ट्राई किया, यानी कि ऐसे एक्सेप्शन को हमने यहाँ हैंडल नहीं किया किया है, तो इसको सेव किया मैंने, सेव करने के बाद अगर हम लोग इसको रन करते हैं, जब हम लोग 10 / 2 करेंगे तब तो ये रिज़ल्ट हमें ठीक देगा, लेकिन अगर हम लोग 10 / इसके बाद रिफ्रेश कर देता हूँ, 10 / जब 0 करेंगे तो यहाँ हमें इस तरीके का एक एरर मिलता है, जो कि यूज़र के लिए सही नहीं है। यूज़र के लिए अगर एक प्रॉपर एरर मिल जाए कि डिवीज़न बाय 0 सिर्फ इतना ही, तो उसके लिए बेहतर होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग जाके ये सारी चीज़ें ना दिखें और हमारा जो प्रोग्राम है वो एबनॉर्मल तरीके से टर्मिनेट हो रहा है यहाँ पर, तो वो ना हो, इसीलिए हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। सो गाइज़, ये है एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको सबकी समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।